money in the bank. She ain't got no money in the bank. But they don't do shit. तो मेरा और एक नया वीडियो में आप लोगों को स्वागत है भाई। आज का वीडियो में जो जो बोलने वाला हो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आप लोग कल पुश करोगे तो, क्योंकि कल तो न्यू सीजन और आने वाला है, तो कल पुश करोगे तो ज़रूर ये सब कुछ आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। आप सोलो पुश कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा पुश करेगा, मतलब हेल्प करेगा। एंड आप लोग पुशिंग कर रहे हो तो मतलब कल जो जो पुश करोगे, ग्रैंड मास्टर पुश करोगे, सब लोगों को बोल रहा हूँ प्लीज़ भाई वीडियो लास्ट तक देखते रहना। जो जो बात आज बात करूँगा सब आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, तो वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखते रहना। तो चलो शुरू करते हैं। आज का भाई जितने भी बोलूँगा, वो मैं जब ग्रैंड मास्टर पुश किया था सोलो पुश, वो बहुत कम आए थे, तो वही बोलूँगा मतलब मेरा कैसे कैसे मेरा काम का मतलब क्या क्या किए थे सब कुछ बोलूँगा। वो एक टिप्स के टिप से बोल सकते हो, तो आप लोगों को क्या करना है कुछ भी करके भाई आपका जो पहला मैच होगा, ठीक है, मतलब सीजन स्टार्ट होने का पहला जो मैच होगा एलिमिनेशन होता है वो, ठीक है, उसमें ज़्यादा प्लस मिलता है आपको। वो कुछ भी करके, आप तो सोलो पुशिंग कर रहे हो, आपको क्या करना है पहले कुछ भी करके टॉप 10 के आगे आपको कुछ भी करके नहीं मरना है। आप टॉप 10 आने का आगे ही किल करके बहुत भर दिया, फिर टॉप 10 नहीं आके मार गया तो आपका ज़्यादा प्लस नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, किल करके कुछ भी करके थोड़ा थोड़ा सर्वाइव करना है, ज़्यादा सर्वाइव नहीं करना है फर्स्ट में से, तो इतना अच्छा भी एनिमी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा स्कोर उस टाइम तो तुम हमारा उसको गोल्ड में रहोगे ना, तो इतना अच्छा एनिमी भी नहीं पाएगा। तो कुछ भी करके उसमें उसमें 3 किल करके, ठीक है, टॉप 10 आके आपको बुया करोगे तो और भी अच्छा होगा। फुल प्लस करना है, वो है सबसे ज़रूरी चीज़, फर्स्ट में तो फुल प्लस करना है, तो बहुत मतलब बहुत फ़ायदा होगा तुम्हारा। तो सेकेंडली क्या करना है, कैरेक्टर स्किल का बोलता हूँ। कैरेक्टर स्किल मैं जब किया था तब प्लेटिनम 2 जब डन हो गया था तब तक मैं क्रोनो यूज़ किया। इसके बाद एंड सबसे ज़रूरी चीज़ भाई, जो जो एकदम पहले से एकदम लगातार खेल के प्लेटिनम 2 में जाओगे, तब प्लेटिनम 2 होने के बाद थोड़ा मैच के बाद देखना, इतना हार्ड एनिमी पड़ेगा भाई, मतलब एनिमी कम ही नहीं होगा, ठीक है। तुम फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन, थर्ड जोन भी वेट कर लोगे भाई, देखना तुम्हारा मतलब एनिमी कमता ही नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम तुम लोग को क्या करना है, थोड़ा सर्वाइव करना है, उसलिए तुम ओलोक ले सकते हो, ये कैरेक्टर ले सकते हो, ठीक है। बहुत सर्वाइव करने के लिए ये दो कैरेक्टर बहुत अच्छे काम आता है। एंड तुम लोग ऐसे जानते हो मशरूम खा ले तो एक फर्स्ट जोन चले जाता है अच्छे से, सेकेंड जोन भी हो जाता है, तो मतलब थोड़ा सर्वाइव करना है उस टाइम। फिर जब तुम डायमंड 1 डन कर लोगे, ठीक है, मतलब डायमंड डन कर लोगे, तब तुमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से खेलना है, क्योंकि भाई खेल रहे हो तुम सोलो भाई, मतलब सोलो खेल रहे हो तो भाई फर्स्ट से लास्ट तक ग्रैंड मास्टर पुश में भाई एक भी थोड़ा भी ध्यान आता है तो एकदम खत्म। स्क्वाड में क्या होता है भाई, तुम खुद भी मतलब फर्स्ट में रश करने का खुद भी गलती से मर गए तो तुम्हारा टीममेट तुम्हारा माइनस कवर कर देते हैं। बट स्क्वाड में क्या होता है, स्क्वाड में ज़्यादा से ज़्यादा हैकर बढ़ता है, बट सोलो में नहीं पड़ता है, सोलो में ये अच्छा है। एंड भाई लोग एक जरूरी चीज़ सब लोगों को बोल देता हूँ, जब ज़्यादा से ज़्यादा बंदा जो पुश करता है प्लेटिनम 3 या 2 में जब चले जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को जो टाइम मिलता है, तो बोल सकते हो उस टाइम 8 बजे या 9 बजे होता है, उस टाइम से 10 बजे या 11 बजे तक इतना बुरा नेटवर्क रहता है भाई, क्या ही बोलो। देखना तुम खेलोगे तो पता चलेगा, इस बार अच्छा चलेगा तो अच्छा हुआ, बट नेक्स्ट जितने बार मैं पुश किया इस टाइम में नेटवर्क ख़राब रहेगा ही रहेगा, ये श्योर रहो। तो तुम्हारा माइनस लगने का भी चांस ज़्यादा होता है ये प्लैटिनम 2 या 3 होने के बाद, ठीक है। जितने बार पुश किया मैं और मेरा छोटा भाई, उतने बारे भाई हम लोगों को माइनस लगा है प्लैटिनम 2 या 3 के बाद ही। उस टाइम मतलब नेट इतना ख़राब आता है, और अभी से तो पिन का और भी बहुत प्रॉब्लम हो गया है। आई डोंट नो कल कैसा रहेगा, अच्छा होगा तो अच्छा है, और पिन के लिए भाई किसी एनिमी के पास मर जाते हो तो और भी बुरा लगता है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान करके खेलना है कुछ भी करके, मतलब माइनस नहीं करना है, ठीक है, माइनस नहीं करना है। तो हम लोग कहते मतलब डायमंड तक, ठीक है, डायमंड के बाद आप जब डायमंड 4 डाउन कर लोगे, ठीक है, नॉर्मल से मतलब उस टाइम तो आप सर्वाइव करके थोड़ा थोड़ा खेलना ही होगा, बट जब डायमंड 4 डाउन कर लोगे तब आएगा भाई देखना है क्या जो होता है भाई। लास्ट जोन में भी भाई 20 मतलब लास्ट जोन क्लोज हो रहा है उस टाइम देखना 20-15 ऐसा एनिमी रहता है, क्या ही बोलो, ठीक है। मतलब मैं उस टाइम ही मेरा डायमंड 3 से ग्रैंड मास्टर जाने तक टाइम लगे थे कितना, लास्ट टाइम मतलब एक मैच में 20-15-6-5 ऐसे करके प्लस हो रहे थे, ठीक है। तो बोलो तो कैसे लगेगा, तो लेट ही तो होगा ना, तो इसलिए तुम मतलब उस टाइम तो प्लस तो हो रहे हो, जो भी हो भाई प्लस तो हो रहा है ना, तो उस टाइम आप लोगों को माइनस नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम माइनस का हो गया तो
एकदम बहुत बड़ा माइनस मिल जाएगा। तो ध्यान से खेलना है कुछ भी करके, एंड मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसे नहीं, मतलब हारमेस में तुमको लास्ट जोन में 30-40 के मतलब क्या बोल रहा भाई, मतलब 10-15 करके लास्ट जोन मेन में मिलेगा, नहीं भाई मतलब आसान होगा, इसलिए आप लोग को वेट करना है, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी करके पहले टॉप 10 तक सर्वाइव करना है, फिर आप फाइट लो, ठीक है। तो माइनस नहीं लगेगा, माइनस लगेगा भी कम लगेगा। फिर आप टॉप 10 में रह के 3 किल डन कर लिया तो आपको मिल जाएगा फुल प्लस। तो इसलिए सोलो में आसान है टॉप 10 कर लेना, और 3 किल कुछ भी करके कर लोगे तो फुल प्लस मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप लोगों को और एक चीज़ बोलता हूँ, आप बहुत प्रो हो, आप देख रहे हो एनिमी आपके सामने बहुत अच्छे से दर रहा है, इसका मैं बहुत अच्छे से हेडशॉट दे पाऊँगा, ठीक है, बहुत अच्छे से हेडशॉट दे पाऊँगा, कोई बात ही नहीं भाई, ये तो नूब जा रहा है। फिर एक बात बोलता हूँ भाई, राश करना एकदम बंद करना होगा, पुशिंग कर रहे हो तो, ठीक है। और एक बात बोल देता हूँ, मैं कोई लेजेंड वाला बंदो के लिए नहीं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कैसे गया वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ भाई। ग्रैंड मास्टर जाने के लिए भाई स्किल नहीं लगता है, ठीक है, उनके लिए दिमाग लगता है एंड कुछ ट्रिक्स बहुत कम लगता है, ठीक है। एंड हार नहीं मानना है, जितने हार नहीं मानोगे तो आप बहुत आसानी से जा पाओगे, ठीक है। तो राश आप एकदम नहीं करना है, आप लोगों को कुछ भी करके क्या करना है, मतलब सोचो आप एक जगह सर्वाइव कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर कैंपिंग कर रहे हो एंड आपका सामने से एक एनिमी जा रहे, तुम सोच रहे हो भाई इसको तो ऐसे आसानी से मार देंगे, भाई ये एकदम सोचना भी बात, क्योंकि भाई तुम वहाँ पर फाइट लगोगे तो आसपास भी बहुत एनिमी है, उन लोगों को भी मिल जाए, मतलब सोच लेगा समझ लेगा वहाँ पर एनिमी है बहुत, तुम तो राश कर मतलब पुश करोगे, तुम्हारे आसपास इतने भी बंदे हैं, मतलब कोई तो बंदा मिल ही जाएगा तुम्हारा मैच में जो राश कर रहे, तुमको जोन के अंदर आके भी मार जाएगा, ठीक है, ऐसा वो हो सकता है। एंड तुमको कुछ भी करके मैं जो बोला राश करने का ज़रूरत नहीं है, तुमको ध्यान रखना है टॉप 10 एंड कुछ भी करके 1-2 किल करना है, ठीक है। 1-2 किल नहीं करोगे तो प्लस नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो तुम सोलो पुश कर रहे हो, तुमको किल नहीं मैटर करता, तुमको कुछ भी करके टॉप 10 आना है, ठीक है, किल बाद में बाइक होगा 1-2, तुमको कुछ भी करके टॉप 10 आना है, ठीक है। एंड मैं और एक बात बोलता हूँ, जब मैं ग्रैंड मास्टर उस टाइम गया था, ठीक है, उस टाइम देखा जब मेरा डायमंड 2, उस टाइम देखा बहुत सारा बंदा ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर में चले गए, और मैं जब मतलब डायमंड 2 डन किया, डायमंड 2 तक मेरा इतना भी माइनस नहीं लगा, मतलब एक माइनस लगा था आई थिंक 26 का, इसका आगे एक माइनस भी मेरे को नहीं लगा, ठीक है, एक माइनस लगा और बाकी सब ज़्यादा से ज़्यादा बोल सको फुल प्लस या फुल प्लस के आसपास ही हुआ, बट फिर भी मैंने डायमंड 2 और वो ग्रैंड मास्टर में। तो कैसे जानते हो वो लोग क्या यूज़ करते हैं भाई, वो लोग यूज़ करते हैं भाई डबल एक्सपी का, ठीक है, मतलब हम लोग इतना मैच खेल के भी नहीं जा पाते और वो लोग ऐसे ही आसानी में एकदम टॉप चले जाते हैं, ये डबल एक्सपी कार्ड का कमाल और कुछ नहीं भाई, उन लोगों का क्या ही बोलो बोलो। और देखो मैंने टोटल मैच खेला था कितना, 69 मैच और किल किया था 77, तो मैं सबसे आगे बोला हो भाई ग्रैंड मास्टर पुश कर रहे हो तो भाई केडी, तुम्हारा केडी को छोड़ दो भाई, केडी को एकदम भूल ही जाओ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ भाई राशिंग एकदम छोड़ना होगा, राश करोगे तो भाई टाटा बाय बाय होना ही होगा, ठीक है, राश करोगे तो एक भी गलती से एक बार खुद मतलब कुछ भी करके गलती से भी मार गए तो आपका बहुत बड़ा माइनस लगेगा। गेम जब खेल रहे हो ऑल टाइम दिमाग रखना भाई, मैं सोलो पुश कर रहा हूँ, मेरे को राश नहीं करना है, राश तब करना भाई जब देखना मतलब एकदम लास्ट जोन पर गया है, अभी तो किल करना है भाई, उस टाइम राश करो, इसका मतलब टॉप 10 में आने के बाद ट्राई करो कुछ भी करके थर्ड पार्टी करके या कुछ भी करके किल लेने के लिए। और ऐसा कुछ देखो मतलब तुम एंड सबसे ज़रूरी चीज़, तुमको जो जो तुम गन सेलेक्ट करोगे वो गन ज़रूर ज़्यादा डैमेज का होना चाहिए, मतलब तुमको मिला है सब गाने मिल रहा है तो तुमको जो गन ज़्यादा डैमेज देता है वो गन ज़रूर लेना है। एंड तुमको ड्रॉप से ड्रैगन ऑफ मिले तो ज़रूर ड्रैगन ऑफ यूज़ करो भाई, क्योंकि ड्रैगन ऑफ बहुत ज़्यादा डैमेज देता है एंड कभी कभी तो 2 गोली से भी मार जाता है, तो ड्रैगन ऑफ ज़रूर यूज़ करो। एंड शॉर्ट रेंज के लिए आपको मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था, आप लोगों को जो गोली शॉर्ट रेंज का गोली सबसे ज़्यादा डैमेज देते हैं तो सोचो कभी कभी होता है, M18 बहुत अच्छा है, ठीक है, M18 का 2 गोली लगने से कभी भी एनिमी मार जाता है तो M18 यूज़ करो। तो ये बात गई, तो आप लोगों को क्या बोल रहे थे, ज़रूर राश एकदम बंद करना होगा, ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप माइनस आपका माइनस लग गया तो आपका टीममेट मतलब आप मर गए तो आपका टीममेट आके क्या आपका माइनस कवर करेगा, ऐसा कुछ नहीं भाई, क्योंकि तुम सोलो पुशिंग कर रहे हो, सब ऑल टाइम ध्यान रखना।
तो जो जो बात बोले हो भाई सब कुछ ध्यान रखना है, कौन कौन अभी तक वीडियो देखने हो मेरे को नहीं पता है, तो फिर भी भाई मैं जितने भी बात बोले हो वो शॉर्टली एकदम छोटा काटा करके एकदम बोल देता हूँ क्या क्या बोले थे। डिटेल्स में बहुत कुछ बोल लिया, अभी छोटा करके एकदम बोलता हूँ। आप लोगों को कुछ भी करके फास्ट मिस करना है, फुल प्लस मतलब डेली मिशन का प्लस है तो फुल प्लस करना है, एंड ऑल टाइम ट्राई करना है टॉप 10 आने के बाद क्रश करना या कुछ मतलब किल करने। हाँ, एंड इसके बाद और जो चीज़ वो है आपको प्लैटिनम 2 के बाद थोड़ा ध्यान मतलब कैरेक्टर चेंज करना है। इसके आगे तुम क्रोनो यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं होगा, ठीक है, बहुत आसानी से क्रोनो यूज़ करके मार सकते हो, बट इसके बाद तुमको क्रोनो काम ही नहीं लगेगा भाई, इसके आगे तुमको एनिमी मार देगा, क्योंकि उस टाइम बहुत स्किल वाला प्लेयर रहेगा और बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर रहेगा, एंड उस टाइम नेट भी बहुत ख़राब रहता है, तो उस टाइम ध्यान से खेलो एंड थोड़ा जोन में सर्वाइव करने के लिए ऑलो करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। एंड जो बात बोले भाई ज़रूर आपको भाई आप सोलो पुश कर रहे हो भाई, कुछ पाल के लिए भी भाई ध्यान मत हटाओ एंड ट्राई करो दो बंदा मिलके एक आईडी में पुश करने के लिए। एक बंदा पुश करोगे तो भाई सोलो पुशिंग में एक बंदा पुश करोगे तो भाई तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, लगातार एक बंदा इतने देर तक खेलेगा तो प्रॉब्लम होगा ही, तो ट्राई करो दो बंदा मिलके या तुम्हारा कोई फ्रेंड के साथ बात कर लो कि एक आईडी में पुश करोगे, ऐसा कर सकते हो। तो फिर जब डायमंड 4 में चले जाओगे, डायमंड 4 के बाद एकदम फुल्ली तुम सोचो भाई मैं बोल देता हूँ भाई तुमको कुछ भी करके एकदम थर्ड जोन तक मतलब जोन 3 बार पार गए उस टाइम भी तुमको जोन के अंदर सर्वाइव करना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट भाई और एक चीज़ भाई पुश कर रहे तो भाई सर्वाइव नहीं कर पाते हो तो भाई आपके लिए पुश नहीं है भाई, आप राश करते हो मतलब बहुत प्रो प्लेयर हो भाई, एकदम एनिमी जा रहे ऐसे ही मार दोगे, उसके लिए ये टिप्स भी नहीं है और उसके लिए ग्रैंड मास्टर भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है ग्रैंड मास्टर भाई, थोड़ा दिमाग लगा के खेलना होता है। ऑल टाइम राश के मूड रहोगे तो मैं ऑलरेडी बोला हूँ तो नहीं रहना है, तो आप लोगों को और डायमंड 4 के बाद मैं ऑलरेडी बोला हूँ डायमंड 4 के बाद वो बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है, प्लस भी नहीं मिलता है, बार बार तो मर ही जाओगे भाई, स्किल बहुत स्किल वाला प्लेयर होगा एंड आप लोग ऑलमोस्ट ट्राई करो ऑल टाइम क्लोज रेंज में फाइट नहीं लेके थर्ड पार्टी करो नहीं तो दूर दूर से मारो, ठीक है, और तुम्हारे पास ज़्यादा डैमेज वाला गन है तो बहुत आसानी से मार सकते हो, तो ज़रूर ये सब कुछ आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड मैं ऑलरेडी बोला हूँ डायमंड 4 के बाद मेरा भी प्लस बहुत कम मिले थे एंड मैं मतलब और भी बहुत आगे जा पाता, बट ये डायमंड 4 के बाद मेरा इतना कम करके प्लस मिल रहा था और क्या ही बोले। तो अभी तक भी कौन वीडियो देख रहे हो मेरे को नहीं पता, देख रहे हो तो भाई आप लोग ही पुश करने के लिए देख रहे हो, तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया है एंड आप पुश कर रहे हो तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखना, देखना मैं जितने भी बात किया ना आप लोगों को सब याद आएगा जब पुश करने का टाइम, एंड जो बोल रहे हो भाई एंड और एक चीज़ आप लोग एक बंदा अकेला पुश कर रहे हो तो भाई देखना एकदम रात में बहुत नींद आ जाता है, तो उस टाइम इसलिए बोल रहा हूँ दो बंदा मिलके पुश करो, तो मैं जब करता हूँ मैं और मेरा भाई मिलके करता हूँ, मैं रात में दो घंटा या मैं दो एक घंटा खेलता हूँ फिर वो सोता है फिर ऐसा ऐसा करके खेला तो रात पार कर देता हूँ। एंड इस बार कौन कौन पुश कर रहे हो ज़रूर बोलना, एंड जो जो बंदा मेरा वीडियो लास्ट तक देखा वो भी कमेंट करना, एंड और एक चीज़ बोल देता हूँ भाई आप लोग पुश कर रहे हो तो भाई ओनली एक दिन के लिए पुश करो भाई, वो ग्रैंड मास्टर हो 13,000-15,000 के टॉप में जाने के लिए भाई आपका कोई ज़रूरत नहीं भाई, आप पुश कर रहे हो तो एक दिन के लिए ट्राई करो फैमिली को बोल के या कुछ भी करके मना के या छुप छुप के खेलो या जो भी करो, बट इतना खेलने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर लोग ही पुश करते हैं, ठीक है, उन लोगों तो कुछ भी नहीं बोलेगा, अभी ये बोलोगे भाई तुमको तो भी कुछ नहीं बोलेगा, तुम कैसे तुमको बहुत आसानी से पुश करते हो फैमिली से, तो कोई नहीं कुछ भी नहीं बोलते, ऐसा नहीं भाई मेरा फैमिली में मैं और मेरा छोटा भाई छोड़ के और कोई नहीं जानता, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मेरा 18,000 सब्सक्राइबर है, मैं डेली लाइव करता हूँ, कुछ भी नहीं जानता है, एक दिन बोलूँगा आप लोग सपोर्ट करना ज़रूर, एक दिन मैं बोल दूँगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ पुश करो तो एक दिन के लिए करो एंड दो तीन बंदा या तीन बंदा होगा तो बहुत अच्छा, ठीक है, टाइम डिवाइड करके खेलो, कौन कौन पुश कर रहे हो ज़रूर मेरा कमेंट बॉक्स में आके बताना, तो मिलते और एक नया वीडियो में, तब तक सब लोग अच्छे से रहना एंड और एक चीज़ भाई अब अभी भी हीरोइक में नहीं हो तो जल्दी से हीरोइक में जाने तो सिल्वर में ले नमा देगा तुमको, ठीक है, तो हीरोइक में चला जाओ अभी भी टाइम है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हीरोइक में नहीं जाओगे तो तुमको सिल्वर में ले लेगा और तुम्हारा ग्रैंड मास्टर पुश और भी अच्छे से चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हीरोइक में जाओगे तो तुमको गोल्ड में लेगा और तुम इसके नीचे रहोगे तो तुमको सिल्वर में लेगा और इसके भी नीचे रहोगे तो तुमको और भी नीचे दे देगा, तो ट्राई करो
मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक सब लोग अच्छे से रहे ना। जो लास्ट तक वीडियो देखा उनको बहुत बहुत शुक्रिया, एंड कमेंट भी कर देना, कमेंट बॉक्स में भी तुमको शुक्रिया मिलने वाला है। तो बाय बाय।